से जब हम चूहों से बहुत परेशान हो जाते हैं और ये मक्खी और मच्छर भी हमें आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं, प्याज के छिलके निकले थे ना, तो मैंने यही पानी में डाल दिए हैं और अब मैं निकाल देती हूँ और छान लेती हूँ। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। विनेगर, क्योंकि विनेगर जो होता है और ये मक्खी मच्छर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और इसकी जो स्मेल होती है उससे कॉकरोच भी भाग जाते हैं। और इसमें हमने नमक और बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला है और हमने व्हील का थोड़ा सा इसमें सरहुल भी ऐड किया है और ये एक ऐसा रिएक्शन पैदा करेगा कि मच्छर मक्खी और कॉकरोच सभी भाग जाएंगे। जहाँ हमें लगता है कि कॉकरोच आते हैं या मक्खी मच्छर आते हैं तो वहाँ अंधेरे स्थानों पर हम ये स्प्रे करेंगे। तो इस तरह से आपको स्प्रे कर देना है। आते हैं मक्खियाँ आती हैं तो मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे किचन में जब छोटा छोटा खाना गिर जाता है। हमने ये आलू ग्रेट कर लिया है, यदि फ्रेंड्स बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो हमने ये आलू ग्रेट कर लिया है और इसका हम जूस निकाल लेते हैं। तो इसका जो जूस है वो ढीली त्वचा को टाइट करने में बहुत काम आता है, तो इसको हम एक क्रीम बना लेते हैं। एलोवेरा लिया है, एलोवेरा को हमने फ्रेश लिया है, आप इसके जगह एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो हमने इसको धोकर के साफ़ कर लिया है और इसको हम इस तरह से इसका छिलका पतला वाला उतार लेते हैं। इसे आप इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं और इसे आप देखेंगे कि ये निकल आया है, लेकिन इसमें जो थोड़ी शक्ति होती है वो चिकनाहट की ज़्यादा होती है और ये खींचने वाला बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हमने घोट लिया है और इसमें हम अब एक चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हैं और इसकी हम एक बहुत अच्छी क्रीम बना रहे हैं। और ये क्रीम हमें अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और इसे हमें रात के समय ही कर। सबसे पहले ट्रिक है हमारी अजवाइन को लेकर। ये अजवाइन जो होता है छोटा सा मसाला होता है और ये हमारे किचन में अवेलेबल होता है। जब हम डीप फ्राई चीज़ बनाते हैं, समोसा, कचौरी, पकौड़ी या फिर पूरी, तो उसमें हम अजवाइन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे डाइजेशन में फ़ायदा करता है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्लो हो जाता है। और इस अजवाइन को हम इनाम तस्ते में थोड़ा सा कूट लेते हैं और इसे हल्का सा तरतरा सा करके डालना है। तो इसमें हमें अजवाइन को डाल करके गर्म पानी डालना है और इसमें हमें काला नमक ऐड करना है। तो ये पानी हमें ऊपर से पीना है। यदि हम डीप फ्राई खाने में अजवाइन ऐड नहीं कर पाते हैं तो हमें बाद में ये पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि जो डीप फ्राई खाना होता है वो हमारे पेट में सही से पच नहीं पाता है, तो इसलिए हमें ये पीना ज़रूरी हो जाता है। या तो हम अपने खाने में ही इसे ऐड करके खाएं या फिर इसका पानी बना कर पिएं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, गैस ख़त्म हो जाती है और हमारे पेट का दर्द शांत हो जाता है। हम आते हैं या तो इनको हम रूप में फ्रेशनर बना लेते हैं या फिर इनका हम फेस पैक बना लेते हैं, लेकिन आज हम एक नया ही यूज़ करके दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें आप दीपक भी जला सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल गोल होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या मच्छर मारने के लिए जो हम दीपक जलाते हैं जिसमें अरोमा निकलता है और तो उससे मच्छर भाग जाते हैं। तो अब इसमें हमने ये जो तेज़पत्ता घर में होता है ये सबके किचन में ज़्यादातर अवेलेबल ही रहता है, तो इस पत्ते को लेकर के इसलिए इसमें जलाएं और इसका धुआं करें तो इसे जो अरोमा निकलेगा वो सारे में फैल जाएगा और इससे मच्छर भाग जाएंगे। तो मक्खी मच्छर हमारे बच्चों को भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब सो जाते हैं तो उन्हें मच्छर जब काटते हैं तो वो नींद से जाग जाते हैं और रोने लगते हैं, कई बार तो बुखार आ जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए तेज़पत्ता आप ज़रूर से चलाइएगा और ये बंद कमरे में ही हमें करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो गर्मी का सीज़न आ गया है और इनमें मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं और ये हमारे बच्चों को भी काटते हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनकी नींद ख़राब हो जाती है। इसलिए हमने गैस पर रखा है तवा और उसमें हमने 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाला है यदि है, और उसमें हमने 4 लौंग डाली हैं और तेज़पत्ता हमने चॉप करके डाल दिया है, क्योंकि इसकी खुशबू जो होती है वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और हमने इसमें डाला है करी पत्ता, यदि आपके पास नीम हो तो नीम भी डाल सकते हैं। और हमने डाली है इसमें चाय की पत्ती और इसको हम अच्छे से जला करके इसका तेल बना लेते हैं। हमने डाला है प्याज, प्याज की जो खुशबू होती है ना वो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो इसको भी तवे पर जलाएं। और आपके पास लहसुन हो तो आप लहसुन भी इसके अंदर डाल सकती हैं। इसे दीपक में डाल देती हूँ और मैंने इसमें एक बत्ती भी लगा दी है। तो फ्रेंड, इसका जो अरोमा निकलेगा ना तो उससे मच्छर भाग जाएंगे और मच्छर दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे।